दोस्तों, नेल्सन मंडेला अपने जीवन के 14 साल जेल में बिताने के बाद साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बने थे। इन 14 सालों में हर दिन मंडेला के साथ बहुत ही बुरा हरकत किया जाता था, मगर प्रेसिडेंट बनने के बाद भी मंडेला ने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। एक बार मंडेला अपने पूरी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तभी उसने देखा बाहर से एक आदमी आया। उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला, देखा कि पैसे नहीं है, फिर टेबल पर रखे पानी को पिया और फिर जाने लगा। इसी दौरान मंडेला ने उसको रोका और बोला, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। और इसके बाद मंडेला ने वेटर को बुलाया और उस आदमी के लिए अच्छा खाने का ऑर्डर दिया। वो आदमी एक बार भी मंडेला की ओर देखा भी नहीं, तुरंत खाना खाया और निकल गया। और इसके बाद उस वेटर ने मंडेला को पूछा, आखिर वो आदमी आपको शुक्रिया कहे बगैर क्यों चला गया और वो आदमी आपको एक बार भी क्यों नहीं घूरा। मंडेला इस बात को सुनकर हंसते हुए जवाब दिया, वो मेरे साथ जेल में रहता था, वो मेरा खाना छीन लेता था, मेरे को मारता था और आज मैं एक प्रेसिडेंट बन गया जिसके कारण वो मेरे आंखों से आंख नहीं मिला पाया। अगर आज मेरा मन करता तो मैं आज उसके साथ बुरा बर्ताव करके उस दिन का बदला ले सकता था, मगर मैं ऐसा करता तो उसमें और मेरे में क्या अंतर रह जाती। एक अच्छे दिल के इंसान की यही खासियत होता है, आप चाहे कितने भी उसके साथ बुरा करो मगर वो कभी भी आपके साथ बुरा नहीं करेगा। दोस्तों, इस दुनिया में बदला लेने वाला बहुत मिल जाएगा मगर नेक दिल बहुत कमी मिलेगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही छोटे छोटे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।